हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एचटीएमएल के रेशियो बटन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम एचटीएमएल के रेशियो बटन को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हूँ H3 की हेडिंग, उसके अंदर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट जेंडर। उसके बाद में यहाँ पर इनपुट, फिलहाल मैं ये जो नेम है वो रिमूव करती हूँ। मैं दे देती हूँ, हम रेशियो की वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं रेशियो, सही है, यहाँ पे लिखते हैं मेल, सॉरी मेल। इसको कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट, यहाँ पे लिख देते हैं फीमेल, सेव किया। देखिए यहाँ पे जो है ये रेशियो बटन जो है बने हुए आ गए, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दोनों की सिलेक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है रेशियो बटन की वन सिलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जो रेशियो बटन है वो सिंगल सिलेक्शन के लिए होती है और चेक बॉक्स जो होते हैं वो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं नेम। यहाँ पर मैं दे देती हूँ नेम में जेंडर, इसे मैंने किया कॉपी, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, कंट्रोल ऐसे सेव किया। सेव करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो है वन सिलेक्शन हो रही है, पहले टू हो रही थी सिलेक्शन, अब हो रही है वन सिलेक्शन। तो उसके बाद हम देते हैं, हम दे देते हैं वैल्यू, वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे मेल, इस तरह से हम यहाँ पे भी दे देते हैं वैल्यू मेल, कंट्रोल ऐसे सेव किया। तो देखिए इस तरह से हम रेशियो बटन को बिल्कुल इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू।